Assalamualaikum guys, I'm back with another vlog. और आज मेरे पास एक छोटा सा सरप्राइज है. आज हम दोस्त लोग जा रहे हैं तंदूरी चाय पीने. तो आप लोग कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? जाएंगे पी कर आएंगे, देखेंगे किस तरह का टेस्ट. और तलाब पहली दफा नहीं, दूसरी दफा जो की दूसरी तीसरी दफा जा रहे हो. इस्माइल आप इस्माइल कैमरे से शॉर्ट हो गए और पीछे मेरे मेकअप तो नहीं किया इसने. हम लोग आपको वहाँ पे आके मिलते हैं और रास्ते के भी शॉट्स देते हैं. हम लोग जाएंगे मोटरसाइकिलों पे. इसे आपने सुनूंगा तीन दोस्त और उम्र भर की मेमोरीज. तो तीन नहीं, चार दोस्त. नहीं, हम लोग दो मोटरसाइकिल हैं. तो तीन कहानी, तीन कहानी. तो हम लोग मोटरसाइकिलों पे जाएंगे, आपको उसका सीन मिलाते हैं. सॉरी, इस्माइल भाई जा रहे हैं. इस्माइल खान है, ये तल्ला खान है. चांद निकलता रोज है पर दिखता नहीं है. हम लोग जा रहे हैं वो दूसरी मोटरसाइकिल, दूसरी उधर पीछे है. सर्दी बहुत है क्वेटा में भाई. सर्दी बहुत है, -50 जा रहे हैं. कल्ला अपने से छोड़ने का बहुत शौकीन है भाई. -5 तल्ला की मोटरसाइकिल यार, ये रोडों पर ऐसी लाइट लगे हुए. तल्ला की मोटरसाइकिल की लाइट नहीं चल रही. मौत और जिंदगी का भाई कुछ नहीं पता चलता, और तल्ला के साथ तो बिल्कुल ही नहीं पता चलता आपको. लाइट ऐसी लगे और ख्याल से जाना होता है. ये रहे इस्माइल लोग, तल्ला वहाब. ओए इस्माइल लोग वहाब, अली जफर से तो जोर. क्वेटा की सर्दी से लड़ने का एक जो बेहतरीन जरिया है वो एक कप चाय, और फिर इधर की चाय जो है वो फिर सबसे ज़बरदस्त चाय. मैं खड़ा हूँ इस वक्त मुकर्रम खान के साथ, वो इस होटल के ऑनर है. तो आप बताएं मुझे तंदूरी चाय के बारे में कुछ, उसकी खासियत. तंदूरी चाय माशाल्लाह क्वेटा में पहली बार जो ये फार्मूला मैं लेकर आया हूँ क्वेटा में, इन्वेंट हुई ये चीज़. तो काफ़ी दूर दराज इलाकों से आते हैं इस चाय को पीने के लिए और इन्जॉय करते हैं. तंदूरी चाय इसकी खासियत ही होती है कि जो बंदा ज़ुकाम काशी ज़ुकाम होते हैं उसके लिए काफ़ी मुफीद होती है. इसमें कुछ जड़ी बूटियाँ वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक रेसिपी बना कर तो प्रोवाइड करते हैं लोगों को. जो मटका है ना कुल्लड़, उसमें एक अलग खुशबू होती है मिट्टी की, तो लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं. काफ़ी फैमिलीज आती है, इस चीज़ को ज़्यादातर लाइक करते हैं और पार्सल भी लेके जाते अपने घर. तो मैं डेफिनेटली समझता हूँ कि ये चीज़ सर्दियों के लिए बेस्ट होता है. मैं भी इधर तीन चार दफ़ा हुई, मुझे बहुत पसंद आई चाय, और मैंने सोचा कि ये व्लॉग बना लें. तो आप इधर का पता बता दें ताकि इधर लोग और भी आएँ. यहाँ पता सुमंगली रोड बल मुकाबिल बेनज़ीर पार्क के सामने सुल्तान तंदूरी रेस्टोरेंट. सबको इंशाल्लाह जब इस लोकेशन पे पहुँचेंगे तो वाजे बोर्ड नज़र आएगी, तो हर कोई यहाँ पे पहुँच सकते हैं. और मैं आपको अभी दिखाता हूँ तंदूरी चाय कैसे बनती है, उसका बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है. तो मैं अभी उसको आपको उसकी तरफ लेकर जाता हूँ.
पीस फैंटास्टिक यार। इधर हम लोगों ने चाय के साथ पराठा मंगवाया और बहुत ज़बरदस्त पराठा है, आपको मैं दिखाता हूँ दोस्तों। आप ये देखो इस तरह का मटके में, अब जब पियोगे आपको स्मेल भी आएगी मिट्टी की, तो बड़ी ज़बरदस्त चाय है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। इधर आप लाजमी आओ, अपने फ्रेंड्स के साथ आओ। इधर अंदर बैठने की भी जगह है तो आप अंदर भी बैठ सकते हो अगर आपको ज़्यादा। इट वॉज फैंटास्टिक, वी एंजॉयड अ लॉट, और बहुत अच्छी जगह है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप आए अगर आपको चाय नहीं पसंद। मैं आपको बोलता हूँ एक दफ़ा आए ट्राई करें तो आप इस चाय के दीवाने हो जाएंगे। तल्ला भाई आपका क्या कहेंगे? ज़रूर आए, ट्राई करना चाहिए यार इंसान को। और सर्दियों में चाय का फिर अलग मज़ा। हाँ ये है, गर्मियों में फिर यहाँ पर और रश होता है, रमज़ान में ज़्यादातर। हाँ जैसे बंदे ने बताया था। हाँ तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो गिव इट अ थम्स अप, कमेंट बिलो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर मोर एंटरटेनिंग वीडियोज। थैंक यू।